नमस्कार साथियों, मैं अंकिता जोशी एस विवेकानंद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जो आई थी कुछ दिनों पहले, जी हाँ आप सभी उसको भूले ना, आरपीएससी की एसओ की वैकेंसी है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है तथा आपके फॉर्म्स, एग्जाम फॉर्म्स जो हैं आपको फिल करने हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। 1 दिसंबर से ये एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी लास्ट डेट है 20 दिसंबर 2021 की रात 12 बजे तक आपके पास टाइम है एग्जाम फॉर्म भरने का। जल्दी से जल्दी, वेट ना करें ज़्यादा, जल्दी से जल्दी अपना एग्जाम फॉर्म भरें और इसकी तैयारी स्टार्ट कर दे, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा हमें। जितना भी वैल्यूएबल टाइम आप सभी के पास में है उसको लेकर आप अपना एक बना लीजिए कि हमें ये एग्जाम क्रैक करना है, और इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपकी मदद करेगा एस विवेकानंद। जी हाँ, हमारे ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे ये कोर्स रिलीज होगा। इस कोर्स की जानकारी मैं आपको आने वाले वीडियोस में दूंगी। इसके अलावा जो लास्ट वीडियो था शाम, हमारी टीम के शाम सर द्वारा जो आपको वीडियो बताया गया था जिसमें पूरे के पूरे नोटिफिकेशन को बहुत डिटेल्ड में स्टडी उन्होंने कराया था कि कौन सी वैकेंसी है, कितने पोस्ट हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी प्रे ग्रेड है, सभी के बारे में आपको बताया गया था। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो यहाँ पॉपअप होगा वो लिंक, प्लीज़ उसको जाकर देखिए एंड अपने सारे सभी स्टूडेंट्स को जो जो तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करिए। कोई भी आपका भूल चूक ना हो जाए, कि आपका कोई भी पॉइंट मिस आउट हो जाए। काफ़ी स्टूडेंट्स की मेरे से क्वेरी थी कि हम एलिजिबल हैं या नहीं है, उस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए आज मैं आपके सामने आई हूँ। यानी कि आपके जो पोस्ट थे 2000 पदों पर, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिसे हम कहते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यताएँ जो यहाँ दे रखी है, शैक्षणिक योग्यताएँ वो दे रखी है, वो है सेकेंड क्लास मास्टर्स डिग्री इन मैथ्स, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स। काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं कि हम एलिजिबल हैं नहीं है, सेकेंड ग्रेड सेकेंड डिवीजन का क्या मतलब होता है। सबके यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग सेकेंड डिवीजन्स होते हैं, किसी की 45% होता है, किसी की 48% होता है, सबका अलग अलग क्राइटेरिया बना हुआ है। लेकिन मैं आप सभी को क्लियर करना चाहूँगी, सिर्फ जो स्टूडेंट्स जिनके मार्कशीट पर, आपकी जो मार्कशीट आपको मिलती है, डिग्री मिलती है, उस पर लिखा होना चाहिए सेकंड डिवीजन, या तो आपके वहाँ पर लिखा होगा फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन। डिविजन्स जो होते हैं वो मायने रखते हैं, आपकी परसेंटेज मायने नहीं रखेगी, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। बच्चों के दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि भाई मेरे तो इतने परसेंटेज छूट गया, मेरे तो 47.75 ही आए हैं, मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। इसका सीधा सीधा जवाब यह है, अगर उस परसेंटेज के आगे सेकंड डिवीजन लिखा है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल आप एलिजिबल हैं इस चीज़ के लिए। 100% आप फॉर्म भरिए और तैयारी शुरू करें। इसके अलावा स्टूडेंट्स की क्वेरी है कि हम BBA वाले एलिजिबल हैं क्या, बैचलर्स डिग्री नहीं मांगी है इसमें, बैचलर्स डिग्री नहीं मांगी है, मांगा है मास्टर्स। मास्टर्स यानी MA, MCOM, MSc। MA में आपने मैथ्स करा है, स्टैट्स करा है, ECO करा है, आप एलिजिबल हैं। MCOM में आपने मैथ्स ABST से है, BADM से है, EAFM से है, आप एलिजिबल हैं। MSc आपने स्टैट्स और ECO से करी है, आप एलिजिबल हैं। मैथ्स से करी है आपने MSc, आप एलिजिबल हैं। इन सभी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास में है मास्टर्स की और आपकी डिग्री में सेकंड डिवीजन लिखा हुआ है, तो आप 100% एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। और जल्दी से जल्दी, ज़्यादा देरी ना करें, इस फॉर्म को भर दें, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होगा। वैकेंसी कुछ काफ़ी अरसे बाद आई है और सभी बच्चों की तैयारी जो पास से कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी तैयारी है उनकी, इसलिए आप भी अभी से तैयारी पे लग जाएं। इस दिन का वेट ना करें कि किस दिन हम एग्ज़ाम डेट आएगी, उससे पहले हम तैयारी करना चालू करेंगे। एग्ज़ाम में पास वही होता है जो पहले से तैयारी करके रखता है, इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए कि एग्ज़ाम में वही तैयार, पूरी तरह तैयार होगा जो पहले से प्रिपेयर्ड रहेगा। इसके आगे मैं आपको बताना चाहूँगी, कई बच्चों के सवाल है कि हमने MBA कर रखा है, MBA डिग्री को नहीं मान्यता कि वो मास्टर्स इन कॉमर्स में कहलाए। इसलिए MBA वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने BCOM के बाद में MBA करा है, या XYZ किसी भी फॉर्म में आपने MBA करा है, अगर
और आपके पास में मास्टर्स डिग्री किसी और फील्ड में नहीं है, तो MBA के स्टूडेंट्स वी आर वेरी सॉरी बट RPSC आपको अलाउ नहीं करता है। बाद में जाके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका डिले हो जाता है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको निकाल दिया जाता है, इसलिए हम आपको बताना चाहेंगे कि MBA इसमें अलाउड नहीं है। इसके अलावा बच्चों के स्टूडेंट्स के वो सवाल थे कि भाई हम लोगों की एग्जाम डेट क्या होगी। एग्जाम डेट देखिए जल्दी से जल्दी आ सकती है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना। 1 महीना तो नहीं कह सकते कि 1 महीने के, अभी 20 तारीख तक तो आपके फॉर्म ही फिल होंगे, उसके बाद में एग्जाम डेट आएगी। प्रॉबली एक्सपेक्टेड डेट जो है वो है मार्च एंड अप्रैल की। मार्च एंड अप्रैल तक आपके एग्जाम होने के पूरे पूरे संपूर्ण चांसेस हैं कि आपका एग्जाम हो जाएगा किसी भी तरह। मोड ऑफ कंडक्ट में वो बता देंगे ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। अभी उन्होंने नोटिफिकेशन जो दिया है उसमें ये दे रखा है कि ऑनलाइन/ऑफलाइन, यानी किसी भी फॉर्म में एग्जाम हो सकता है। अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं आई है RPSC द्वारा। इसके अलावा हम ये बताना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स ने ये पूछा था कि इसमें इंटरव्यू भी है क्या, प्री है क्या, मेंस है क्या। जी नहीं, कोई भी इंटरव्यू नहीं है। सीधा सा एक पेपर होगा आपका, उस पेपर के लिए आपको यहाँ पर दे रखा है आपका सिलेबस। उस सिलेबस में दिया है 70 मार्क्स की स्टैट्स इको मैथ्स, 70 नंबर की स्टैट्स इको मैथ्स आएगी। GK का पोर्शन जो है वो 30 नंबर का आएगा, 2 घंटे का पेपर होगा, सिर्फ एक पेपर होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, आपकी नौकरी लग जाएगी। इसके अलावा कोई प्री नहीं है, कोई मेंस नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ एक पेपर होगा, वो भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होगा, यानी 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होगा आप लोगों का ASO के लिए। कोई इंटरव्यू नहीं है। कई बच्चों को ये डाउट है कि इसमें अभी 43 पोस्ट आए थे और अभी वापस से 2000 पोस्ट आ गए, तो ये भी मैं क्लैरिफाई करूँ क्योंकि वो 43 पोस्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के निकले हैं, यानी SO and ASO में 2 अलग अलग भर्तियाँ आई हैं। उसके 43 पोस्ट, उसका सिलेबस डिफरेंट है इस चीज़ से। ASO इज असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ASO अलग पद है, SO अलग पद है, ये दोनों कम्प्लीटली 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, इनको कंफ्यूज ना करें। उसकी एलिजिबिलिटी अलग है, इसकी एलिजिबिलिटी अलग है, इस चीज़ को बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखें। आपने MA, मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ, आपने MA कर रखा है मैथ्स में, स्टैट्स में, इकोनॉमिक्स में, आपने MSc कर रखा है मैथ्स में और स्टैट्स में, आपने MCOM कर रखा है ABST EAFN या BADM में, आप सभी की अगर सेकेंड डिविजन है तो 100% आप एलिजिबल होंगे इस एग्ज़ाम से, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक बात है ओ लेवल एग्ज़ाम की, राजस्थान में कंपलसरी करा है कि आपको कंप्यूटर का ओ लेवल या फिर RACIT या कोई भी डिप्लोमा कोर्स कंप्यूटर का आपके पास में उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो बिल्कुल इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखें कि इन एलिजिबिलिटीज़ के अलावा, ये जो आपके यहाँ पर एलिजिबिलिटी दे रखी हैं, इन एलिजिबिलिटी के अलावा आपको कंप्यूटर का जो कोर्स है वो ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। ऑलमोस्ट 90% ऑफ एग्जाम्स जो राजस्थान गवर्नमेंट लेती है उसमें ये ज़रूरी होता है, तो अगर आपके पास में ये सर्टिफिकेट है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। इसके अलावा बच्चों के क्वेरीज थी कि RSCIT होना है, कंपलसरी है, अगर आपके पास में है तो वेल एंड गुड। इसके अलावा और कोई भी कंप्यूटर के आपके पास में सर्टिफिकेट्स हैं जो जो यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, इसमें से कोई सा भी आपने कोर्स कर रखा है कंप्यूटर का, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। इसके अलावा मैं आपको और बताना चाहूँगी, बच्चों की क्वेरी थी कि हमारा एग्ज़ाम कोविड के कारण खिसक गया, हमारा एग्ज़ाम नहीं हुआ, हमारा रिज़ल्ट नहीं आएगा लास्ट ईयर का, जो हम मास्टर्स कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट नहीं आएगा, क्या मैं फॉर्म भर दूं? आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपके हाथ में सेकंड डिवीजन की डिग्री होनी चाहिए। एग्ज़ाम आज हो, 6 महीने बाद हो, साल भर बाद हो, 2 महीने बाद हो, कभी भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम के बाद में रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट के बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट दी जाती है, उस डेट को ध्यान में रखते हुए
अगर आपको लगता है कि आपके हाथ में डिग्री आ जाएगी और आपके सेकंड डिवीजन आ जाएंगे तो बेशक बिल्कुल चिंता करें, आप फॉर्म भर दीजिए, किसी चीज़ का वेट ना करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन है बच्चों में कि भाई हमारे एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे। अब सर इसका तो कुछ नहीं कर सकते, एग्ज़ाम जैसे ही होगा वैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको चाहिए चाहिए। आपके मास्टर्स के अगर लास्ट ईयर के एग्ज़ाम बाकी हैं तो आपको ये तय करना है कि आपका उस दिन तक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा या नहीं आएगा। उससे पहले आपको कहीं से भी कैसे भी करके आपके हाथ में वो होना चाहिए, यानी आपका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, आपके हाथ में आपकी डिग्री होनी चाहिए सेकंड डिवीजन वाली। इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, इस बात को ध्यान रखें। इसके अलावा बच्चे ये पूछते हैं कि एमए के लिए मैंने आपको बता दिया कि एमए वाले बिल्कुल एलिजिबल हैं, अगर आपने मैथ्स स्टैट्स में कर रखी है तो आप बिल्कुल 100% एलिजिबल हैं। एक स्टूडेंट का था बीए इंग्लिश, बैचलर्स डिग्री नहीं है सर, नहीं है, बीकॉम बीए बीएससी नहीं चल सकता, एएसओ की डिग्री के लिए आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए। अगर आपने मास्टर्स डिग्री कर रखी है तो आप भर सकते हैं, अन्यथा आप फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको बाहर कर दिया जाएगा। इस बात का बिल्कुल बिल्कुल अपने दिमाग में इसको फिक्स कर लीजिए कि हमारे पास ये डिग्री है, इस तरह से हम एलिजिबल हैं। जहाँ तक कि आरपीएससी का सवाल है, आरपीएससी से जो भी डिटेल्स आई हैं वो डिटेल्स कम्प्लीटली बहुत साफ शब्दों में दे रखी है यहाँ पर कि आपके पास ये डिग्री है तो हम एलिजिबल हैं, अगर आपके पास ये डिग्री नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। इतना कन्फ्यूजन जो क्रिएट हो रहा है कि हम हैं या नहीं हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस नोटिफिकेशन को आप बहुत ध्यान से पढ़ें, फिर आप देखें कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन आपकी पूरी हो चुकी है या नहीं हुई है, उस तारीख तक हो सकती है या नहीं हो सकती है। परसेंटेज का आप ध्यान रखिए, परसेंटेज कुछ भी हो आपकी सेकंड डिवीजन लिखा होना चाहिए, वहाँ पर लिखा होता है डिग्री के नीचे लिखा होता है कि आपका कौन सा डिवीजन आया है, फर्स्ट है सेकंड है चलेगा, इसके अलावा आपकी परसेंटेज मैटर नहीं करती है क्योंकि सारे यूनिवर्सिटीज़ के क्राइटेरियाज़ अलग अलग होते हैं। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें और आगे आने वाले वीडियोस में जैसे जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन आती है हमारे पास एएसओ की, हम वो डिस्कस करेंगे, हमारे कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, हमारी टीम, आपके पास में और भी कोई भी अगर सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पिन करिए आपके मैसेज को और कमेंट करके बताएं आपका जो भी सवाल है, हमारी टीम हर तरीके से आपकी मदद करना चाहेगी। एंड आपके आने वाले वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे कि जो जो आपकी क्वेरीज हैं वो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आप एस विवेकानंद के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने अपने ग्रुप्स पे, आपके साथ पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के साथ में आप इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।